पिजन है, ये भी बेबी पिजन है दोस्तों, और ये भी बेबी पिजन है, बेबी पिजन है, बेबी पिजन है, उस तरफ भी बेबी पिजन है और उसके उस तरफ भी बेबी पिजन है दोस्तों। और इसमें जाने कितने बेबी पिजन है, ये भी बेबी पिजन है दोस्तों, और ये भी देखें दोस्तों, ये भी बेबी पिजन है। दोस्तों कई भाई हमारे जो कि बोलते हैं भाई हमारे जो अंडों में बच्चे नहीं पड़ते हैं और बच्चे वगैरह मर भी जाते हैं, ठीक है, तो आज हम बताएंगे आप लोगों को कि किस तरीके से अपने घर की आप लोगों को ब्रीडिंग सेटअप बनाना चाहिए जिससे आपके जो कि कबूतर के बच्चे मर जाते हैं फिर मरे नहीं दोस्तों। तो सबसे पहले हम आप लोगों को ले चलते हैं सबसे पहले खांचे में दोस्तों, देखते हैं क्या मामला है। इसमें बैठा हुआ है ये मकू कलसरे का जोड़ा, ये देखें दोस्तों, ये देखें, और इन्होंने क्या किया हुआ है अभी देखते हैं। जी कुछ नहीं है इसमें, और ये देखें ये जो ये नर है उसका मादिन का, ये देखें दोस्तों। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले में, ये जोड़ लगा हुआ है दोस्तों माशाल्लाह से, ये देखें फुल पैर है और ये बहुत जल्द से जल्द अंडे रखने वाले हैं दोस्तों, ये देखें। और अब चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। ओहो लें जी माशाल्लाह से एक अंडा रखा हुआ है इसमें दोस्तों, ठीक है। और ये देखें इनके खांचे किस तरीके से बने हुए हैं कि इनके अगर अंडे देंगे कबूतर तो जाया नहीं होंगे, अंडे फेंकेंगे नहीं, अंडे टूटेंगे नहीं दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह से इसमें एक बेबी पिजन निकला हुआ है, और इसको हम हटाएंगे साइड से, और ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से एक बेबी पिजन निकला हुआ है दोस्तों, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह बड़ा प्यारा बेबी पिजन। अब चलते हैं इसके नीचे दोस्तों, ये देखें, अब देखते हैं इसने क्या सीन किया हुआ है, ये देखें दोस्तों, ये इधर भी दो अंडे रखे हुए हैं, और माशाल्लाह से ये देखें दोस्तों, ठीक है, ये दो अंडे रखे हुए हैं दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है खाली दोस्तों, कोई नहीं, चलो ठीक है। और अब चलते हैं इस तरफ, और इस तरफ ये जोड़ा पड़ा हुआ है दोस्तों गर्री और फुलसरे का दोस्तों माशाल्लाह से, और देखते हैं इस तरफ, ये देखें दोस्तों, ये चेक करें, और इस तरफ भी एक जोड़ा पड़ा हुआ है वाइट का, ये देखें दोस्तों, ब्रीडिंग सेटअप माशाल्लाह जल्दी से जल्दी करेंगे दोस्तों, ये देखें, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्योर, ये देखें दोस्तों, इस तरफ है कलसरे का जोड़ा, और हम इसको हटाएंगे सबसे पहले, और इस तरफ रखे हुए हैं अंडे दोस्तों, ये देखें, ये माशाल्लाह एक हैचिंग भी होने वाली है दोस्तों, ये देखें बच्चा निकलने वाला है, ठीक है दोस्तों, मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को क्लियर करके, ये देखें दोस्तों बच्चा निकलने वाला है माशाल्लाह से, ठीक है, ये देखें दोस्तों। और आप लोग एक चीज़ और कर दिया करें कि जब आपके बच्चे निकला करें कबूतर के, तो अंडों को हल्का हल्का तोड़ दिया करें, उससे आपके बच्चे मरेंगे नहीं, जाया नहीं होंगे दोस्तों। और कई भाई हमारे कहते हैं जो कि गलत कर दिया, भाई इसमें गलत कुछ नहीं है, क्योंकि हमको हमारे कबूतरों की सेफ्टी खुद करनी होती है, ठीक है, कुछ कबूतर करते हैं कुछ हम भी करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, तो इस तरफ भी ब्रीडिंग सेटअप की प्रोग्राम चल रहा है दोस्तों, और आते हैं इस तरफ, इस तरफ भी जोड़ा पड़ा हुआ है शायद ये वाला दोस्तों, ठीक है, इस तरफ भी कुछ नहीं, चलो माशाल्लाह से, ये देखें बजरे राजस्थानी दोस्तों, और इस तरफ भी जो कि सेटअप बन रहा है, अभी धीरे धीरे से होगी ब्रीडिंग सेटअप। और अब चलते हैं इस तरफ, माशाल्लाह इसने तो एक शायद बच्चा, जी जी माशाल्लाह इसने एक बच्चा निकाला, अरे 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 काट रहा है, ये देखें दोस्तों, ये चेक करें माशाल्लाह से, ठीक है दोस्तों। ये सारे के सारे कबूतर दिखाते हैं हम आपको लेफ्ट लॉफ्ट में, और ये देखें माशाल्लाह दोस्तों, ये चेक करें दोस्तों, ये सारे के सारे बेबी पिजन निकले हुए हैं, एक ये बेबी पिजन है, और ये भी बेबी पिजन है, ये भी बेबी पिजन है दोस्तों, और ये भी बेबी पिजन है, बेबी पिजन है, बेबी पिजन है, उस तरफ भी बेबी पिजन है, और उसके उस तरफ भी बेबी पिजन है दोस्तों। और इसमें जाने कितने बेबी पिजन है, ये भी बेबी पिजन है दोस्तों, और ये भी देखें दोस्तों, ये भी बेबी पिजन, बड़ी प्यारी, मतलब जो इसके पहले ब्रीडिंग प्रोग्रेस हुई थी बहुत अच्छी हुई थी माशाल्लाह से, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।